बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादा हम नहीं उठा सके। हिम्मत जवाब दे गई अब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मौसम बहुत ही गर्म है, तो काफ़ी भाई मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि भाई मुर्गियों को गर्मी से कैसे बचाया जाए, उनकी जगह का टेम्परेचर मेंटेन कैसे रखा जाए ताकि मुर्गियाँ ईजी रह पाएँ। तो मैंने सोचा आज दोस्तों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आज मैंने सोचा मुर्गियों के खाने में दोस्तों, ये मिट्टी जो सारी देख रहे हैं आप, ये जो मिट्टी है सारी मैं मुर्गियों के इस वाले डरबे में डालूंगा, बड़े वाले डरबे में। तो पहले भी मैंने इसके अंदर मिट्टी डाली हुई थी लेकिन वो कम थी। आज मैंने सोचा कि ये जो सारी मिट्टी है इस डरबे के अंदर मैं गिरा दूँ, और साथ में तालाब जो आप देख रहे हैं ये सामने, ये भी मैं भर के इसके अंदर रखूंगा, और जो भी मुर्गियां होंगी, जो भी चूजे होंगे, मैं उनको फैलाऊंगा इस पानी के अंदर। तो ये मेरा भाई देख रहे हैं आप, छोटा भाई है मेरा। तो मैंने सोचा है कि आज यार काम बहुत ज्यादा है तो साथ ही मिलके काम करेंगे, क्योंकि एक बंदे से दोस्तों इतना ज्यादा मिट्टी एक ही टाइम में नहीं उठाई जा सकती, क्योंकि मौसम बहुत गर्म है दोस्तों, बहुत ज्यादा पसीना आएगा, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, और शायद गर्मी की वजह से किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है। तो दोस्तों काम पर लगते हैं हम दोनों। ये मिट्टी ये भाई मेरा अलग कर रहा है सारी, ताकि हम इजिली इस तासले में मिट्टी को सेव कर सकें, और उधर हम एक एक करके फिर उठाते जाएंगे। तो मैं जगह भी दिखा देता हूं दोस्तों, मैंने मिट्टी कहाँ रखनी है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आप जगह देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर मिट्टी गिरानी है। तो मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों, अगर आपका मुर्गियों का खाना बड़ा है तो जितना हो सके आप उस डब्बे के अंदर मिट्टी रखें। और ये जो आप दोस्तों डब्बे देख रहे हैं, ये मुर्गियाँ इसमें अंडे देती हैं, तो अभी भी आप देख सकते हैं इसके अंदर अंडे पड़े हुए हैं। तकरीबन मैंने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, ये 5 अंडे हैं ये देखें। तो ये मैं यहाँ से उठाऊँगा अभी, और यहाँ पर हम सारी मिट्टी गिराएंगे और उसके ऊपर छिड़काव करेंगे। तो जल्दी से दोस्तों काम शुरू करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जितना जल्दी हो सकेगा हम काम को निपटा लेते हैं। तो मैं कैमरे को यहाँ पर सेट करता हूँ और काम पर लग जाते हैं हम। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये जो पूल है, छोटा सा पूल है, ये मैं इस डरबे के अंदर रख देता हूँ, और फिर बाकी बाद में काम करते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि मुर्गियों को मैं इसके अंदर नहलाऊंगा और चूज़ों को इसके अंदर मैं छोड़ दूंगा, देखेंगे कि चूज़े स्विम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो भी आज पता चल जाएगा कि क्या बत्तखों की तरह मुर्गी या चूज़े तैर सकते हैं या नहीं तैर सकते, तो उसको भी आज देखेंगे। बाकी ये देखें, मैंने इधर ये स्विमिंग पूल रख दिया है, तो चेक करेंगे बाद में। फ़िलहाल ये यहाँ पर हम मिट्टी डालेंगे, अभी मैं ये डब्बे वगैरह उठा देता हूँ और जल्दी से हम फिर यहाँ पर मिट्टी डालते हैं। तो दोस्तों ये जो मिट्टी मैं आज इस डरबे के अंदर डाल रहा हूँ, ये मैंने वैसे छत के ऊपर डलवानी थी। मैंने आपको बताया था कि छत के ऊपर मैंने फिर ये मिट्टी नहीं डलवाई थी, क्योंकि छत बहुत कमज़ोर थी। आप देख सकते हैं ये छत गिरना शुरू हो गई थी, अभी मैंने इसके ऊपर मिट्टी भी नहीं बिछाई थी। ये देखें यहाँ से छत गिरना शुरू हो गई थी, इस वजह से मैंने काम को रुकवा दिया था। अभी इसको सारा मैंने रिपेयर कराना है, फ़िलहाल गुजारा करते हैं। तो ये मैंने उठा लिए हैं दोस्तों डब्बे, तो अब डालते हैं मिट्टी इसके अंदर, और आज मुर्गियाँ माशाल्लाह बहुत खुश होंगी, और कल परसों से बारिशें भी हो रही हैं, और इसी वजह से फिर मिट्टी यहाँ पर ठंडी रहेगी, मुर्गियाँ काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगी। तो एक एक करके दोस्तों ये परात हम इस डरबे में डालेंगे, तो काफ़ी मुश्किल काम है, गर्मी की वजह से काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो फ़िलहाल देख सकते हैं आप, तो मेहनत वाला काम है, मुर्गियाँ हैं ना उनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, तो इस वजह से लाजमी है ये चीज़ करना। मौसम बहुत गर्म है, गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है, इस वजह से दोस्तों इस तरह से करना लाजमी होता है। अगर आपके घर में इसी तरह का कोई सेटअप है, बड़े से डरबे हैं, तो आप उस डरबों में मिट्टी लाजमी डालें और उसके ऊपर छिड़काव किया करें। टाइम लगेगा यहाँ पर, तो मैं कैमरे को यहाँ सेट कर लेता हूँ, अब मैं उठाता हूँ मिट्टी, क्योंकि यार छोटा भाई है थक जाएगा, तो अब मेरी बारी है काम करने की। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर मैं सारी मिट्टी डाल दूंगा, तो ये डाल के फिर मिलते हैं। तो दोस्तों इतना उठा सकें हम ये मिट्टी, बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादा हम नहीं उठा सके, हिम्मत जवाब दे गई। अब ये देख सकते हैं इसके अंदर मैंने
इसके अंदर हमने इतना मिट्टी डाल दी है तो इतना काफ़ी है। तो ये फिर मैं कभी बाद में उठाऊंगा, ये अभी बहुत थक चुके हैं हम, आप मेरी हालत देख सकते हैं। तो अब पानी भरते हैं स्विमिंग पूल में दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो इसमें फिर चूज़ों को ठंडा करते हैं हम, चूज़ों को नहलाते हैं। तो काफ़ी भाई मुझे कह रहे थे कि भाई क्या हम मुर्गियों को नहला सकते हैं गर्मी के मौसम में, तो आप नहला सकते हैं दोस्तों, लेकिन एक इसकी आपने एहतियात करनी है, आपने या शाम के टाइम में नहलाना है मुर्गियों को या सुबह के टाइम में नहलाना है। आप टूटी के नीचे भी मुर्गी को रख सकते हैं, चूज़े को रख सकते हैं, उससे सारा जिस्म उसका गीला हो जाता है। लेकिन मेरे पास दोस्तों ये चीज़ मौजूद थी तो मैंने सोचा आज क्यों ना आप दोस्तों को ये चीज़ शेयर कर दूँ। तो जब तक दोस्तों ये पूल फुल होता है, मैं जब तक ये मिट्टी सीधी हम कर लें, क्योंकि एक साथ इकट्ठी हुई पड़ी है, बहुत मेहनत वाला काम था दोस्तों आज, बहुत ज़्यादा गर्मी, एक तो गर्मी और साथ में मेहनत वाला काम, तो आप देख सकते हैं क्या हालत हुई पड़ी है हमारी। सोचा नहीं था कि इतना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन गर्मी ने हमारा बुरा हाल कर दिया है। तो काफ़ी है इतना, बस और नहीं करते। तो ये यहाँ तक पहुँच गया है ये पूल, अभी फुल हो रहा है ये, अभी आधा भी नहीं हुआ, ये टाइम लेगा थोड़ा सा। तो दोस्तों माशाल्लाह से अब ये जो तालाब है ये फुल हो गया है, तो अब मैं चूज़ों को इसके अंदर छोड़ रहा हूँ, एक किस्म का देखते हैं ये तैर सकते हैं या नहीं तैर सकते। वैसे जो मेरा मकसद है इनको नहलाना है, तो फ़िलहाल मैं इनको छोड़ देता हूँ यहाँ पर और देखते हैं कि ये किस तरह से करते हैं। तो ये बहुत डर रहे हैं दोस्तों, तो फ़िलहाल इनको मैं पकड़ के ही नहलाऊँगा। मैं अपने चूज़ों को दोस्तों पहली दफ़ा ऐसे नहला रहा हूँ, तो इस वजह से ये डर रहे हैं। बाकी ये देखें, बस बस बस, तो दोस्तों इस तरह से मैं सारे मुर्गियां और सारे चूजे जो हैं मैं सबको मैं नहला दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अभी छिड़काव करना मैंने मिट्टी के ऊपर, वो बाद में मैं कर लूँगा, अगर अभी मैं करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो काफ़ी भाई फिर कहते हैं कि यार आप वीडियो लंबी बना लेते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो कि मुर्गियों को चूज़ों को गर्मी के मौसम में ठंडा किस तरह से रखा जाता है। बाकी सवाल का मैंने जवाब दे दिया है कि मुर्गियों को हम नहला सकते हैं, नहला सकते हैं दोस्तों सुबह के टाइम या शाम के टाइम में जब मौसम ठंडा हो जाए, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और मुर्गियों के हवाले से कोई भी मसला आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको लाजमी दूंगा और हो सकेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।